नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज एंड एस जी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 6, दैट इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवाएं। सो सामान और सेवाओं से पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट की बात नहीं हो सकती। सरकारी ऑफिसेज में सामान और सेवाओं सेवा लेने की जो नियम है उसके बारे में GFR 2017 के चैप्टर 6 में विशेष रूप से चर्चा की गई है। रूल 176 तक हम पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि GFR लगभग हर 2-4 महीने पे कुछ न कुछ इसमें अमेंडमेंट आता रहता है। सो दिस सेशन इज अपडेटेड अप टू 31st July 2023, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट वर्शन ऑफ GFR 2017, रूल 177 to 206। बहुत बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स हम पढ़ चुके हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रूल 142 से 176 तक था, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज रूल 177 से 206 तक है। अब जो प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज है इसमें भी दो पार्ट हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसको आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज दो तरह की है, कंसल्टिंग सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसको आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज को रूल 176 से 196 में कवर किया गया है, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज को रूल 197 से 206 तक में कवर किया गया है। जब कंसल्टिंग सर्विसेज की बात आती है तो बहुत से ऐसे स्पेशल सर्विसेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज क्या हो सकते हैं? IT रिटर्न फाइल करने वाले स्पेशलाइज्ड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइज्ड हैं। तो इस तरीके से जितने भी स्पेशल स्किल वाले, स्पेशल नॉलेज वाले जो लोग हैं, उनकी जब हम सर्विसेज लेते हैं उसको कंसल्टिंग सर्विसेज करते हैं, और इनको छोड़ करके बाकी सब सर्विसेज को आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम किसी ऑडिटर को बुलाते हैं, अगर हम किसी ऑडिटर को इंगेज करते हैं, या किसी IT रिटर्न को फाइल करने के लिए, क्वार्टरली फाइल करने के लिए हम किसी को इंगेज करते हैं, तो वो कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। और अगर हम अपने ऑफिसेज में सिक्योरिटी गार्ड के लिए किसी की सर्विसेज हायर करते हैं, वो आउटसोर्सिंग में होगा। सिक्योरिटी गार्ड कोई स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कंसल्टिंग सर्विसेज में एक्सपर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज में एक्सपर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेयर मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। स्वीपिंग करने वाला स्टाफ हो गया है, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, ये सब आउटसोर्सिंग में आते हैं। तो यहाँ पर 176 से 196 तक कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे, एंड 197 से 206 तक आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, दैट इज नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो कंसल्टिंग सर्विसेज को 177 में डिफाइन किया गया है। मोटे तौर पर हमने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है कि कंसल्टिंग सर्विसेज क्या होती है, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज क्या होती है। कंसल्टिंग सर्विसेज को 177 में डिफाइन किया गया है। आपको मैं पीछे चल के दिखा देता हूँ, ये गलत हो गया, ये 177 है, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया, ये 177 है, 177 to 196, और ये 197। सो कंसल्टिंग सर्विसेज को 176 में डिफाइन किया गया है,
और नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज को 197 में डिफाइन किया गया है। 20 रूल्स का फर्क है। 177 में कंसल्टिंग सर्विसेज को, 1797 में आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज को। सो कंसल्टिंग सर्विसेज का डेफिनेशन 177 में मीन्स एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, इस ब्रैकेट शुरू है, अदर देन गुड्स और वर्क्स। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम गुड्स और वर्क्स के साथ भी, अगर अगर हमने कुछ मशीन खरीदा तो उसके साथ उसका इंस्टॉलेशन करने वाला साथ में आएगा। अगर हमने टीवी खरीदी तो टीवी को इंस्टॉल करने वाला साथ में आता है ना, तो वो कंसल्टिंग में नहीं आता। यहाँ पर मेंशन किया है अदर देन गुड्स और वर्क्स एक्सेप्ट दोज इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल टू द सर्विस एंड इंक्लूड्स प्रोफेशनल। अब यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड करेगा? प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, ट्रेनिंग, एडवाइजरी सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज क्लासिफाइड और डिक्लेयर्ड एज सच बाई ए प्रोक्यूरिंग एंटिटी बट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। सो कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको हमने अगर कुछ समय के लिए अपने ऑफिसेज में काम के लिए रख लिया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली, तो वो कंसल्टिंग सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आते। ये जो यहाँ पर जो इंक्लूड्स जो लिखे हैं, इनको आपको एक ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर नोट में भी दिया है, दीज सर्विसेज टिपिकली इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट और स्ट्रेटजिक सर्विस एडवाइस, दैट इज एक्सपर्ट एंड स्ट्रेटजिक एडवाइस, दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, पॉलिसी कंसल्टेंट्स, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स, एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज विच इंक्लूड फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट etc. ये सब के सब आपको एक या दो बार में ध्यान कर लीजिए, इसको कोई ऐसा कोई रटाफिकेशन करने वाली ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आता है इसलिए ध्यान तो करना पड़ेगा। रूल 178, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट मे हायर एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंसी फर्म्स और कंसल्टेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब विच इज वेल डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड टाइम फ्रेम फॉर इट्स कंप्लीशन। सो डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है एक्सटर्नल प्रोफेशनल को, कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर कर सकती है फॉर ए स्पेसिफिक जॉब विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, राइट। रूल 179, दिस चैप्टर कंटेंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लीकेबल टू द मिनिस्ट्रीज। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंसल्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू दिस इफेक्ट मे बी इशूड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव जो है डिटेल इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे। रूल 180, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय कंसल्टेंट्स। सो कंसल्टेंट से किस प्रकार की सर्विसेज हमें लेना है उसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ जॉब की आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमें उससे काम क्या लेना है। एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स मे बी रिसोर्टेड टू इन सिचुएशन रिक्वायरिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज फॉर विच द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डज नॉट हैव रिक्विजिट एक्सपर्टाइज। हाँ, तो हम ऐसे किसी एक्सपर्ट सर्विसेज के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करेंगे जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। हमारे पास अगर आईटी एक्सपर्ट नहीं है हायर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन वाला एक्सपर्ट नहीं है हायर करना पड़ेगा। सो व्हेन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डज नॉट हैव एनी रिक्विजिट एक्सपर्टाइज, अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी शुड बी ऑब्टेंड बिफोर एंगेजिंग कंसल्टेंट्स। अप्रूवल तो लेना ही है। रूल 181, प्रिपरेशन ऑफ स्कोप ऑफ रिक्वायर्ड कंसल्टेंट।
द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर इन सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द असाइनमेंट द एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाई द कंसल्टेंट शुड ऑल्सो बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज. सो द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर इन सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड स्कोप ऑफ असाइनमेंट, दो चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है. संक्षेप में क्या, रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ असाइनमेंट. द एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाई द कंसल्टेंट शुड ऑल्सो बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज. सो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों बनाने पड़ेंगे. हाँ, आपको क्या जॉब चाहिए और उससे रिलेटेड उस जिसको आप हायर करने जा रहे हैं उसकी प्री क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये दोनों हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. पहले उसके प्रिपेयर करने पड़ेंगे उसके स्कोप. देन रूल 182, एस्टिमेटिंग रीजनेबल एक्सपेंडिचर. मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्रपोजिंग टू एंगेज कंसल्टेंट शुड estimate reasonable expenditure for the same by ascertaining the prevalent market condition and consulting other organization engaged in similar services. So, reasonable expenditure को estimate करना है. कैसे estimate करेंगे? Ministry or department proposing to engage consultant should estimate reasonable expenditure for the same by ascertaining the prevalent market condition and consulting other organization engaged in सिमिलर एक्टिविटीज. हम तो अकेले ऐसे डिपार्टमेंट हैं नहीं जो कंसल्टिंग सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत से डिपार्टमेंट होंगे, किसी ने पहले से उसको हायर कर रखा होगा. तो अगर किसी ने पहले से हायर कर रखा है तो उससे कंसल्ट करके पता करेंगे कि इसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना आता है. अगर किसी ने पहले से हायर नहीं कर रखा है तब जो प्रिविलेंट मार्केट कंडीशन है उसके अनुसार हमें उसके एक्सपेंडिचर को वर्कआउट करना पड़ेगा. रूल 183, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली सोर्सेस. लाएंगे कहाँ से आप कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले को, एक्सपर्ट को कहाँ से ढूंढेंगे, जिसके पास एक्सपर्टाइज सर्विसेज हो, सोर्सेज तो उसके चाहिए. तो वेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज अप टू 25 लाख रुपीस, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जहाँ कहीं भी कंसल्टिंग सर्विस जो है वो 25 लाख रुपए तक है, प्रिपरेशन ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरीज फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स ETC. सो आपको दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, CII से, आपको इन सब जगहों से पता करना है, पता करना है कि हमें कहाँ से ऐसे आदमी मिलेंगे. कब? जब आपका कंसल्टिंग सर्विसेज का जो रिक्वायरमेंट है 25 लाख रुपीज से बिलो का है. वेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज एबव रुपीज 25 लाख, 25 लाख से ऊपर हो गया, दो कैटेगरी यहाँ पर है, अप टू 25 लाख, एबव 25 लाख, ये बिलो नहीं है, MCQ में कन्फ्यूजन करते हैं. सो इट इज अप टू 25 लाख एंड इट इज एबव 25 लाख इन एडिशन टू वन एबव. सो जो पहले इसमें जो प्रोसीजर बताया गया इसको तो फॉलो करना ही है. एंड इंक्वायरी फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंसल्टेंट शुड बी पब्लिश्ड ऑन द CPP एंड ऑन JEM, दोनों जगह पे आपको पब्लिश करना है. क्यों? क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा का आपका रिक्वायरमेंट हो गया है. एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स ओन वेबसाइट शुड ऑल्सो पब्लिश. सो जो गुड्स के लिए जो रूल थे सारे रूल यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहे हैं. आपका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को CPPP पर भी करेंगे, JEM पोर्टल पर भी करेंगे, अपना वेबसाइट है उस पर भी करेंगे.
इंक्वायरी फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शुड इंक्लूड इन ब्रीफ द ब्रॉड स्कोप ऑफ द वर्क्स और सर्विसेज इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी ये सब डिटेल आपको डालना है इन तीनों पर सीपीपी पर सीपीपीपी पर जेम पर एंड अपना वेबसाइट है उस पर। अब रूल 84 में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंसल्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टीज एज पर रूल 183 कंसल्टेंट मीटिंग द रिक्वायरमेंट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट शुड नॉट बी लेस देन 3। एमसीक्यू क्वेश्चन रूल 183 में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंसल्टेंट करना है शॉर्ट लिस्टिंग जो आप करेंगे वो कम से कम द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट शुड नॉट बी लेस देन 3 कम से कम 3 को शॉर्ट लिस्ट करना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क द सपोर्ट और इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड द फाइनल आउटपुट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द कंसल्टेंट। ये सब क्या है 185 में आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रिपेयर करने हैं। प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आप क्या चाहते हैं वो तो मेंशन करना पड़ेगा ना। आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट क्या काम उनसे करवाना है शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क एक 6 महीने का है साल भर का है ऑन गोइंग है वो सब मेंशन करना है। द सपोर्ट और इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट द कंसल्टेंसी द फाइनल आउटपुट दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द कंसल्टेंट ये भी जरूरी है। रूल 186 प्रिपरेशन एंड इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसके बाद से हम इसको RFP कहेंगे क्या कहेंगे RFP सो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है इसका शॉर्ट फॉर्म RFP होगा सो प्रिपरेशन एंड इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सो जैसे हम टेंडर इशू करते हैं ना गुड्स के परचेजिंग के लिए गुड्स के प्रोक्योरमेंट के लिए गुड्स प्रोक्योरमेंट के लिए हम टेंडर इशू करते हैं उसी तरीके से सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट के लिए इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP इशू करते हैं। RFP इज द डॉक्यूमेंट टू बी यूज बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ऑफर्स फ्रॉम द कंसल्टेंट्स फॉर द रिक्वायर्ड सर्विस द RFP शुड बी इशूड टू द शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स टू सीक देयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल्स। हाँ सो RFP शुड बी इशूड टू द शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स अभी इससे पहले आपने देखा था मिनिमम 3 शॉर्ट लिस्ट करना है जो मिनिमम आपने 3 शॉर्ट लिस्ट किया उनको द RFP शुड बी इशूड टू द शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स टू सीक देयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल। तो उन मिनिमम 3 को जो आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उनको RFP इशू किया जाएगा किस लिए टू सीक देयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल। तो RFP क्या क्या कंटेंट करेगा अ लेटर ऑफ इन्विटेशन इन्फॉर्मेशन टू कंसल्टेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब भी आपने पहले देखा एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन केस द सेम हैज नॉट बीन असर्टेंड थ्रू इंक्वायरी लिस्ट ऑफ की पोजिशन बिड इवेल्युएशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल प्रोपोज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स प्रोसीजर प्रोपोज टू बी फॉलोड। सो ये सब चीज़ें हमें RFP में मेंशन करना है और इसको इशू करना है किसको इशू करना है जो शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स हैं उनको। रूल 187 रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ प्रपोजल अब जब हमने RFP इशू कर दिया तो उसके बेसिस पे हमें क्या होगा प्रपोजल रिसीव होगा ना उसी के रिसीप के लिए तो हमने दिया है। तो 187 में रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ द प्रपोजल शुड ऑर्डिनरली बी आस्क्ड फॉर फ्रॉम द कंसल्टेंट्स इन 2-bid सिस्टम विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिल्स। तो 2-bid सिस्टम हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में देखा है 2-bid सिस्टम में 1x1 पहले टेक्निकल
बिड होता है और उसके बाद से फाइनेंशियल बिल होता है। सो इन दोनों को उनसे लेना है, ठीक है। लेट बिड्स, टू बिड सिस्टम हो गया। रूल 188 लेट बिड्स, लेट बिड्स का यूनिवर्सल रूल है, लेट बिड्स का सिंपली यूनिवर्सल रूल है। क्या? लेट बिड्स दैट इज बिड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। सिंपल सी बात है। रूल 189, इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होता है? टेक्निकल बिड्स। ये हमने कहाँ सीखा है? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में। जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का प्रोसेस देख रहे थे तो उसमें MCQ भी आया था कि सबसे पहले टेक्निकल बिड को ओपन किया जाता है, जब टेक्निकल बिड हो जाता है तब जाकर के फाइनेंशियल बिल को ओपन किया जाता है। हाँ, यहाँ भी सर्विसेज में भी सबसे पहले इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिल होगा। टेक्निकल बिड शुड बी एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड बाई अ कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमिटी। अब यहाँ पर क्या आ गया? CEC, कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमिटी। इससे मिलता जुलता गुड्स के लिए क्या था? लोकल परचेज कमिटी, LPC था, लोकल परचेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स था ना। यहाँ पर जो है इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिल वो इवेल्युएट किसके द्वारा होगा? कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमिटी, हाँ, CEC कंस्टिट्यूटेड बाई द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। द CEC शैल रिकॉर्ड इन डिटेल द रीजन्स फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल्स एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड बाई इट, ठीक है। सो CEC जो है इनका जो टेक्निकल बिड है उसका इवेल्युएशन करेगी। रूल 190, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल बिल। अब टेक्निकल बिल का इवेल्युएशन हो गया तो अब फाइनेंशियल बिल बिड का इवेल्युएशन हो गया होगा। सो फाइनेंशियल बिल का इवेल्युएशन उसी का होगा जिसका टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर हुआ है। टेक्निकल बिल का जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो टेक्निकल बिड के इवेल्युएशन करने के बाद से उसमें से कुछ क्वालिफाई होंगे, कुछ नॉट क्वालिफाइड होंगे। जो क्वालिफाइड बिडर होंगे टेक्निकल बिड के, उन्हीं का फाइनेंशियल बिड चेक किया जाएगा, उन्हीं का फाइनेंशियल बिड इवेल्युएट किया जाएगा। जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए उनका फाइनेंशियल बिड इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट शैल ओपन द फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दोज बीडर्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड टेक्निकली क्वालिफाइड बाई द कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमिटी एज पर रूल 189 फॉर फर्दर एनालिसिस और इवेल्युएशन एंड रैंकिंग एंड सेलेक्टिंग द सक्सेसफुल बीडर फॉर प्लेसमेंट ऑफ द कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो 190 तक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, 190 हो गया, 191 मेथड ऑफ सिलेक्शन इवेल्युएशन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल। द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंसल्टेंट्स शैल फॉलो एनी ऑफ द मेथड्स गिवेन इन द रूल 192 to 194। सो यहाँ पर क्या है? बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंसल्टेंट शैल फॉलो एनी ऑफ द मेथड। इनमें से 192 से लेकर के 194 के बीच में जो मेथड है इनमें से किसी भी एक मेथड के द्वारा इनका सिलेक्शन होगा। क्या है? पहला, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। रूल 192 इज QCBS, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, UPSC एग्जाम में ये आया था, ध्यान रखेंगे इसको। QCBS may be used for procurement of consultancy services where quality of consultancy is of prime concern. QCBS may be used for procurement of consultancy services where quality or consultancy is of prime concern. So, दो चीजें हैं, एक क्वालिटी भी है और एक कॉस्ट है। एक क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, एक कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन है। अगर हमें कंप्यूटर का एक्सपर्ट चाहिए तो हमें उसके क्वालिटी पर जाना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें पे करना पड़ेगा। और अगर हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए,
तो क्वालिटी पर कोई विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट बेस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन QCPS मे बी यूज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज वेयर क्वालिटी ऑफ सर्विस कंसल्टेंसी इज द प्राइम कंसर्न। सो यहाँ पर 192 मेथड में जिस पर हमें ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है उसके लिए 192 रूल है, उसको फॉलो करेंगे। क्वालिटी ऑफ द कंसल्टेंसी इज द प्राइम कंसर्न। सो इन QCBS इनिशियली द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल प्रपोजल इज स्कोर्ड एज पर क्राइटेरिया अनाउंस्ड इन RFP। RFP का फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपके रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टैंड फॉर RFP फॉर कंसल्टिंग इज ए डॉक्यूमेंट यू सेंड टू कंसल्टेंट टू हायर देम। ठीक है, जैसे हम प्रपोजल भेजते हैं, टेंडर करते हैं, वैसे ही ये RFP है। आफ्टर ओपनिंग एंड स्कोरिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द रिस्पॉन्सिव टेक्निकली क्वालिफाइड बीडर्स अ फाइनल कंबाइंड स्कोर इज अराइव्ड एट बाई गिविंग प्री डिफाइंड रिलेटिव वेटेज फॉर द स्कोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल एंड स्कोर ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल। सो इनका कैलकुलेशन करने के बाद से इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और रेशियो कैलकुलेट करने के बाद से द RFP शैल स्पेसिफाई द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर फॉर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल प्रपोजल एंड ऑल्सो द रिलेटिव वेटेज टू बी गिवेन टू द क्वालिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो लाइक 70-30। हमें एक रेशियो रखना पड़ेगा, हमें क्वालिटी को ज़्यादा वेटेज देना है तो 70-30 हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ये क्वालिटी को हम वेटेज दे रहे हैं, क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट, क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हम जब ज़्यादा कॉस्ट वेटेज को देखेंगे, क्वालिटी वेटेज को देखेंगे, तो कॉस्ट वेटेज का वैल्यू कम हो जाएगा लेते समय। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर क्वालिटी आई विल गो फॉर द हायर कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है, द वेटेज ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर दैट इज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर इन टू नो केस शुड एक्सीड 80%। द वेटेज ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर इन नो केस शुड एक्सीड 80%। सो टेक्निकल पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80-20 से ज़्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए। रूल 193 लिस्ट कॉस्ट सिस्टम इज अप्रोप्रिएट फॉर असाइनमेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड और रूटीन नेचर सच एज ऑडिट, इंजीनियरिंग डिजाइन, नॉन कम्प्लेक्स वर्क वेयर वेल एस्टैब्लिश्ड मेथडोलॉजीज प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट। अनलाइक QCBS देयर इज नो वेटेज फॉर टेक्निकल स्टोर इन द स्कोर इन द फाइनल इवेल्युएशन एंड द रिस्पॉन्सिव टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल विद द लोवेस्ट इवेल्युएटेड कॉस्ट शैल बी सिलेक्टेड। सो 192 प्रोसेस उनके लिए है जहाँ पर क्वालिटी मान्य रखता है। हमें कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट को लाना है, चाहे और भी कई प्रकार के एक्सपर्ट होते हैं, उस एक्सपर्ट को लाना है तो हम 192 रूल को फॉलो करेंगे। और नहीं तो सिर्फ हमें मैन पावर नाम की चीज़ चाहिए जिससे हाउस कीपिंग हम कर सकें, सिक्योरिटी वगैरह कर सकें, तो उनमें क्या करना है, उनमें हमें क्वालिटी नहीं देखनी है, उनमें हमें लो कॉस्ट देखना है। जो क्वालिटी वाला था उसमें हाई क्वालिटी देखना था, कॉस्ट की चिंता नहीं। और जो 193 है इसमें क्वालिटी की कोई चिंता नहीं, कॉस्ट की चिंता है। जो सबसे सस्ते में हमें आदमी देगा हम उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, ये 193 में है। 194 सिंगल सोर्स सिलेक्शन कंसल्टेंसी बाय नॉमिनेशन द सिलेक्शन बाय डायरेक्ट नेगोशिएशन नॉमिनेशन ऑन द लाइंस ऑफ सिंगल टेंडर मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट मनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। सो सिंगल सोर्स सिलेक्शन सिस्टम से बचना है, उसको तभी यूज करना है जब इनमें से कोई सिचुएशन अराइज होता है, नहीं तो अवॉइड करना है। सिंगल सोर्स सिलेक्शन जो सिस्टम है ये दिस इज ओनली फॉर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज लाइक टास्क दैट रिप्रेजेंट अ नेचुरल कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वर्क और
इमरजेंसी सिचुएशन और प्रोप्राइटरी टेक्निक जहाँ पे ज़रूरत हो और सम स्पेशल सर्कुमस्टेंसेज, इन्हीं में हम सिंगल सोर्स सेलेक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, इट शैल इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। रूल 195, मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड बी इन्वॉल्व थ्रू आउट इन द कंडक्ट ऑफ द कंसल्टेंसी। सो क्या करना है, जितने दिन तक इनको आप रखेंगे, 6 महीने साल भर, उनके कॉन्ट्रैक्ट को उनको मॉनिटर करना है, जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, इनके परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड है कि नहीं, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है कि नहीं, उसको देखना है। रूल 196, पब्लिक कंप्लीशन फॉर डिजाइन ऑफ सिंबल्स लोकस, पब्लिक कंपटीशन है ये, डिजाइन कंपटीशन शुड बी कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट फेयर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, वाइड पब्लिसिटी शुड बी गिवन टू द कंपटीशन सो एज टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसेबल टू ऑल पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स इन द कंपटीशन, दिस शुड इंक्लूड पब्लिकेशन ऑन द वेबसाइट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ओन वेबसाइट, इन सब पर आपको डालने हैं, जो भी पब्लिक कंपटीशन फॉर डिजाइन एंड सिंबल एंड लोगो है, इसमें वाइड पब्लिसिटी देनी जरूरी है, वाइड पब्लिसिटी देंगे तभी जाकर के पार्टिसिपेशन कंपटीटर का बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना है, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एक प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज देखा, हाँ, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज थी उसका ए पार्ट जो था वो कंसल्टेंसी था, ये जो बी पार्ट है ये आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज है, नॉन कंसल्टेंसी है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज में क्या है, रूल 197 नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, मींस एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट विच एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्वॉल्व फिजिकल मेजरेबल डिलीवरेबल आउटकम्स वेयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विस वर्क्स एक्सेप्ट दोज इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल टू द सर्विस एंड इंक्लूड्स मेंटेनेंस हायरिंग ऑफ व्हीकल आउटसोर्सिंग ऑफ बिल्डिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी फोटोग्राफर फोटोकॉपियर सर्विस जेनिटर ऑफिस इरेंट सर्विसेज ड्रिलिंग एरियल फोटोग्राफी सेटेलाइट इमेजिंग मैपिंग, ये सब नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आते हैं। हाँ, आपको MCQ में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ABCD करके वो दे देंगे कि इनमें से कौन सा कंसल्टिंग सर्विसेज है, कौन सा नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज है। नॉन कंसल्टिंग सर्विस को ही आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, राइट। रूल 198, प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मे प्रोक्योर सर्टेन नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी एंड इट मे प्रिस्क्राइब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर द पर्पस विदाउट हाउएवर कंट्रावेनिंग द फॉलोइंग बेसिक गाइडलाइंस। सो बेसिक गाइडलाइंस इसके आगे मेंशन किए जा रहे हैं फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मे प्रोक्योर सर्टेन नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, सस्ते में मिल रहे हैं तो, एंड एफिशिएंसी, एंड इट मे प्रिस्क्राइब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर दिस पर्पस। मतलब डिपार्टमेंट चाहे तो अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बना सकती है, किसके लिए, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज बना तो सकती है, बट जो आप प्रोसीजर बनाएंगे, जो आप इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, दैट शुड नॉट कंट्रावेन द फॉलोइंग बेसिक गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली कॉन्ट्रैक्टर्स विदाउट हाउएवर कंट्रावेनिंग द फॉलोइंग बेसिक गाइडलाइंस। जो बेसिक गाइडलाइंस जो GFR के हैं, इसके आगे कोई गाइडलाइन नहीं है, जो बेसिक गाइडलाइंस जो GFR के हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, कंपिटेटिवनेस होना चाहिए, उनको ध्यान में रखना है, राइट।
रूल 199, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली कॉन्ट्रैक्टर्स. द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ लाइकली एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरीज फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्वड इन सिमिलर एक्टिविटीज. स्क्रूटनी ऑफ येलो पेसेस एंड ट्रेड जर्नल्स इफ अवेलेबल वेबसाइट ऑल्सो. सो हमें क्या करना है, बींग ए डिपार्टमेंट, बींग ए मिनिस्ट्री, हमें जो लाइकली कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका एक लिस्ट बना करके रखना है. काम आता है ये लिस्ट कहाँ से आ सकता है, हमारी कोई सिस्टर कंसर्न होगी, हमारे कोई दूसरे डिपार्टमेंट होंगे, दूसरी मिनिस्ट्री होगी, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों इंक्वायरी कर सकते हैं. फॉर्मल मतलब लेटर भेज करके, इनफॉर्मल मतलब फ़ोन करके पूछ लेंगे, साहब आप कहाँ से सर्विसेज लेते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है उसका नंबर बता दीजिए. तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली कॉन्ट्रैक्टर को भी देखना है. रूल 200, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर इंक्वायरी. हाँ, टेंडर इंक्वायरी के प्रिपरेशन को क्या ऐसे करेंगे, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर अ टेंडर इंक्वायरी कंटेनिंग इंटर एलिया द डिटेल्स ऑफ द वर्क और सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. आप कॉन्ट्रैक्टर से हमें क्या काम लेना है, कौन सा सर्विसेज लेना है, मेंशन करना है ना. द फैसिलिटीज एंड द इनपुट्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द, हम आपको क्या दे सकते हैं. हाँ, मान लीजिए कि आपको हमने कंसल्ट, आपने आपको हमने हाउसकीपिंग स्टाफ में रखा है, आपको हमने स्वीपिंग के लिए रखा है, तो आपने आदमी दे दिया, झाड़ू हम देंगे कि आप देंगे, क्लीनिंग मटेरियल हम देंगे कि आप देंगे, ये सब उसमें मेंशन करना है. एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड वर्क सर्विसेज. सो कुछ तो काम ऐसे होंगे जिसमें एलिजिबिलिटी, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत शायद ही हो, और अगर कुछ होंगे जिसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत हो तो उसको मेंशन करना है. द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस टू बी कंप्लाइड विद बाय द कॉन्ट्रैक्टर. सो जो भी स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो कॉन्ट्रैक्टर महाराज को पूरा करने पड़ेंगे. रूल 201, इनविटेशन ऑफ बिड्स. फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज अप टू ₹10 लाख, ये लीजिए, अभी तक हम 25 लाख एबव एंड 25 लाख बिलो की बात कर रहे थे, यहाँ पर जब नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज की बात आ रही है तब 10 लाख आ रहा है. यहाँ पर अप कैटेगरी जो रही है 10 लाख अप टू 10 लाख और 10 लाख से ऊपर का आ रहा है, एमसीक्यू पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है. सो फॉर कंसल्ट, फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज अप टू ₹10 लाख और लेस, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड स्क्रूटनाइज द प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ लाइकली कॉन्ट्रैक्टर्स एज आइडेंटिफाइड. अभी इससे पहले हम देखे थे 199 में एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे. द नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर शो आइडेंटिफाइड फॉर इशूइंग लिमिटेड टेंडर रिक्वायरी शुड बी मोर देन 3. हाँ, सो हमें आदमी ढूंढने हैं, कितने होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए. ये 3 GFR में सब जगह है, इसलिए ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज एबव 10 लाख द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड इशू एडवर्टीजमेंट इन द सच केसेस शुड बी गिवन ऑन. सो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देना है, यहाँ पर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी फॉलो करना है, 10 लाख से नीचे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी फॉलो करना है, 10 लाख से ऊपर एडवर्टीजमेंट इशू करना है. एडवर्टीजमेंट करते हैं तो क्या, CPPP पर करते हैं, जेम पोर्टल पर करते हैं, और अगर हमारे अपने कोई वेबसाइट है उस पर भी करते हैं. एज यूजुअल लेट बिड्स नॉट टू बी एक्सेप्टेड. रूल 203, इवेल्युएशन ऑफ बिड्स रिसिप्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट शुड इवेल्युएट, सेग्रीगेट, रैंक द रिस्पॉन्सिव बिड्स एंड सेलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर फॉर प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो हमें एक बार बिड मिल गया, अब हमें क्या करना है, उसका इवेल्युएशन करना है. इवेल्युएशन किस लिए करेंगे, हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन इसमें बेस्ट सूटेबल है. तो उसकी हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, ये देखिए इवेल्युएट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, ये कम ठीक लग रहा है, उसके बाद रैंक करेंगे,
रैंक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रैंकिंग बनाएंगे एंड देन सिलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर फॉर प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इनमें से जो फाइनल सिलेक्टेड होंगे उनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, राइट। रूल 204, प्रोक्यूरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज बाय नॉमिनेशन, शुड इट बिकम नेसेसरी इन एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, सो बाय नॉमिनेशन जो है, जो सर्विसेज बाय नॉमिनेशन एक्सेप्शनल केसेस में ही आपको अवेल करना है, रूटीन पीरियड में नहीं अवेल करना है। रूल 205, मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड बी इन्वॉल्व थ्रू आउट इन द कंडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसल्टेंट कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, सो मॉनिटर तो करना है आपको। हाँ, रूल 206, एनी सर्कमस्टेंसेस विच आर नॉट कवर्ड इन रूल 198 टू रूल 205, सो रूल 198 टू रूल 205 क्या है, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में, तो कुछ ऐसे प्रोविजन सामने आते हैं जो यहां पर कवर नहीं किए गए हैं और उसको फॉलो करना है, तो उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमें रूल 135 से 176 का जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का रूल है उसी को फॉलो करना है। जो रूल 206 है ये इम्पावर कर रहा है रेसिज्यूरी पावर को, जहां कहीं भी नहीं मिले 198 से लेकर के 205 तक जो रूल दिए गए हैं नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए, अगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रूल नहीं मिल रहा है और रूल की ज़रूरत है, तब तो प्रिंसिपल ये है कि रूल 135 से लेकर के 176 तक जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का रूल है उसी को फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज का चैप्टर, जो चैप्टर 6 में जो सेकेंड पार्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, उसको हमने कवर किया। इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज में हमने दो बातों पर ध्यान दिया, एक तो कंसल्टिंग सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। कंसल्टिंग सर्विसेज में हमने जो प्रोक्योरमेंट किया उसके फाइनेंशियल बेसिस रखे अप टू 25 लाख एंड मोर देन 25 लाख, दो कैटेगरी। जो नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज है इसमें हमने कैटेगरी रखे अप टू 10 लाख मोर देन 10 लाख, दो कैटेगरी। जो कंसल्टिंग सर्विसेज है वो एक्सपर्ट सर्विस है, एक्सपर्टाइज सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और उसमें हम क्या करते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज में, क्वालिटी को प्रिफरेंस देते हैं कॉस्ट पे, क्वालिटी का रेशियो हायर रहेगा कॉस्ट से। और जब नॉन कंसल्टिंग की बात आती है तो क्वालिटी को साइड में कर देते हैं और मिनिमम कॉस्ट वाले को सर्विसेज जो होता है उसका अवेल करते हैं। तो इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सर्विसेज वाला ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इससे भी बढ़िया से हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर SGKG स्टडीज पर जाकर के आप देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर इसका रिवीजन कर लीजिए, इसका लाभ मिलेगा। आज का नीति श्लोक, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारेत, उष्णो दहति चांगारा शीता कृष्ण आयते करम। किसी दुर्जन बारे व्यक्ति के बारे में कहा गया है, हाँ कह रहे हैं कि दुर्जन जो कि कोयले के समान होते हैं, एक दुर्जन होते हैं और एक सज्जन होते हैं, हाँ सज्जन मतलब जेंटिलमैन, और जो जेंटिलमैन नहीं है वो दुर्जन है। सो दुर्जन जो कि कोयले के समान होते हैं उनसे प्रीति कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब दुर्जन से दूर ही रहना चाहिए, हाँ दुर्जन के समीप जाने की जरूरत नहीं है, दुर्जन से जितना दूर रहिए उतनी ही आपकी भलाई है, क्योंकि दुर्जन जो होता है वो कोयले के समान होता है। कोयले की क्या प्रकृति होती है, कोयला यदि गर्म हो तो जला देता है, कोयला यदि गर्म हो तो जला देता है, और अगर शीतल हो
तो भी कम से कम अंग को तो काला कर ही देता है। यही विशेषता जो है दुर्जन व्यक्ति की है। दुर्जन व्यक्ति अच्छा हो या खराब हो ये मायने नहीं रखता, वो कोयले के समान है। अगर गर्म होगा तो जला देगा और अगर शीतल होगा तब भी आप पर कोई ना कोई कालिख पोत जाएगा, चरित्र पर किसी न किसी प्रकार का लांछन थोप जाएगा। इसलिए नीति ये कहती है कि दुर्जन व्यक्ति से वैसे ही दूर रहना चाहिए जैसे कि कोयले से दूर रखते हैं। कोयला अगर जल रहा हो, कोई गर्म हो, तो उसे शरीर जल जाता है, और अगर कोयला शीतल भी हो तब भी अंग तो काले पड़ ही जाते हैं उसके स्पर्श से। इसलिए दुर्जन से दूरी बनाए रखें। नमस्कार, आपका ये चैनल SGKG स्टडी, जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसी पर RTI एक्ट का सारा वीडियो यहाँ पर अपलोड है। RTI एक्ट के सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड है। उसके बाद से प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के, डेप्टी डायरेक्टर के एग्जाम के सब मटेरियल यहीं पे उपलब्ध है। जब मौका मिलता है इस पर विजिट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए मटेरियल के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।